हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.3 क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 13.3 में 1 to 6 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, ई एफ जी एंड एच आर पॉइंट ऑन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सच दैट ए ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एच। प्रूव दैट ई एफ जी एच इज ए स्क्वायर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, एबीसीडी एक आपको स्क्वायर गिवन है। हम यहां पर लिख लेते हैं कि जो ब्लू बॉक्स है ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। ओके, ए बी सी डी। इसके बाद ई एफ जी एच आर पॉइंट्स ऑन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो चलिए यहां पर हम कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। जो ए बी लाइन है स्क्वायर की, ओके, उस पर ई पॉइंट है आपका। तो ए बी लाइन आपकी ये वाली है, ई पॉइंट आपका यहां पर मार्क हो गया, ठीक है। बी सी पर है आपका एफ पॉइंट। इस तरीके से आप सभी पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। ओके, ये आपका एफ हो गया, इस तरीके से जी हो गया, और डी ए पर आपका हो जाएगा एच, ठीक है। तो ये आपका एच पॉइंट हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, बोला गया है सच दैट ए ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एच। तो ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? वी हैव ए ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू डी एच। ओके, अब देखिए जो ए बी सी डी है वो आपका क्या है, एक स्क्वायर है। अगर हम यहां पर मान लें कि ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर है। अब बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपको बोला गया है प्रूफ दैट ई एफ जी एच इज ए स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनता है। यानी कि जो आपने यहां पर पॉइंट्स मार्क किए हैं इनको अगर मैं जोड़ दूं, मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, तो आपका एक स्क्वायर बनेगा, और यही आपको प्रूव करना है। तो बच्चों अभी हमने माना था, यहां पर लेट किया था कि जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जो ए बी है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। ओके, और यहां पर आपको कुछ साइड्स गिवन है कि ये आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी? ए ई। ओके, अब मान लीजिए ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये वाली जो साइड है ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है ए ई। ओके, अब यहां पर उसके बाद आपकी आती है बी एफ। ओके, तो बी एफ आपकी ये वाली है। ओके, ये वाली साइड ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, इसके बाद सी जी। ओके, सी जी आपकी ये वाली होगी। ओके, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद डी एच, डी एच देखिए ये वाली है आपकी। ओके, ये साइड हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर आपकी यहां पर कुछ साइड्स 4 सेंटीमीटर की हैं तो ऑब्वियसली जो बची हुई साइड्स हैं वो भी तो 4 सेंटीमीटर की होंगी। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और यहां पर देखिए ये जो सी एफ है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल आपकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर की है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं इन साइड्स को एक्स मान लूं, ठीक है, ये जो आपको गिवन है इन सभी साइड्स को मैं एक्स मान लूं। ओके, आपने यहां पर इसको लेट कर लिया है। ओके, इसके बाद जो बची हुई साइड्स हैं उनको भी हम बराबर कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं कि आपकी बी ई बराबर होगी सी एफ के, और डी जी बराबर होगी ए एच के, ठीक है, और इनको मान लिया हमने वाई। ओके, इसको भी हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। देखिए बी ई आपकी ये वाली हो गई, ओके, सी एफ आपकी ये वाली हो गई, और डी जी आपकी ये वाली हो गई,
और ए एच आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो बच्चों ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था कि हमने इसको वाई माना है और सभी साइड्स बराबर हैं, तो क्यों बराबर है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से यहां पर समझा दिया है। तो बच्चों अब बात करते हैं असली मुद्दे की, हमें प्रूव करना है कि ये आपका ई एफ जी एच एक स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर की कंडीशन होती है कि सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, जितने भी कॉर्नर एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री के होंगे, ओके। अगर आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो बाकी को भी आप 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यहां पर ये है कि किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो बच्चों अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना, मैंने क्या कहा कि आपको किसी भी एंगल को 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है, किसके अंदर, ई एफ जी एच के अंदर, ठीक है। अगर मुझे इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, अगर मुझे मान लीजिए एंगल ई को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो उसके लिए ये जो दो एंगल्स हैं, ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में, मैंने क्या बोला, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री आपको प्रूव करना है तो उसके लिए इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यहां पर यही है कि किसी भी तरीके से इन दो एंगल्स को हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपका ये जो ए बी लाइन है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहां पर तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अगर दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हो गए तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों ये तरीका होता है सॉल्व करने का, आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है और समझना है कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है और एक्चुअल में मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर आपको मालूम चल गया कि शुरुआत कैसे करनी है तो आपका आंसर जरूर आएगा। तो बच्चों इन दोनों एंगल्स के सम को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और फिर वहां से आप आसानी से बता सकते हो कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर होगा। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AEH एंड BEF, ओके, इन दोनों ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, क्योंकि आपका ABCD एक स्क्वायर है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ओके। और देखिए AE जो है वो आपका BF के बराबर है, AE जो है वो BF के बराबर है, ये तो आपको गिवन ही है, आप यहां पर देख सकते हैं ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। और देखिए दूसरी साइड कौन सी बराबर होगी, दूसरी साइड देखिए आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, BE, ओके, BE जो है वो HA के बराबर है, या AH हम बोल सकते हैं, AH के बराबर है, ठीक है। तो ये भी हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इन सभी बातों को यहां पर लिख सकते हैं, ओके। ये जो आपकी साइड है ये किसके बराबर है, BE के बराबर है, ओके, और ये वाली जो साइड है, ओके, ये जो साइड है आपकी ये इसके बराबर है, ओके। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं AE इज इक्वल टू BF, ओके। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं AH किसके बराबर है, BE के, ओके। अब देखिए ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है, और ये आपका साइड है, ठीक है। देखिए ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, तो SAS आपका रूल बनता है यहां पर, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सो बाई SAS कांग्रेंस रूल यू कैन से कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, ओके, AEH इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEF, ओके। तो चलिए जो पहला पड़ाव है वो आपने पार कर लिया, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो बच्चों जैसे ही आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं
तो आपको सीधा जंप करना है एंगल्स पर, ठीक है, क्योंकि आपको एंगल्स की ही बात करनी है ना, तो आपको सीधा एंगल्स पर जंप करना है। तो देखिए किस तरीके से, अब देखिए ये जो साइड है आपकी ए ई, ओके, यहां पर एक एंगल बनेगा, ओके, अब यहां पर देखिए बी एफ के लिए यहां पर बनेगा एंगल, ओके, अब मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया एंगल वन, इसको बोल दिया एंगल टू, ओके, अब देखिए ए एच के लिए आपका ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, और अब यहां पर देखिए बी ई के लिए आपका ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने एंगल थ्री और इसको बोल दिया एंगल फोर, ठीक है, एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर होगा विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, ये आपने कई बार पढ़ा है। इन द सेम मैनर आप बोल सकते हैं एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के बराबर होगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन अगर आपको एक एंगल गिवन हो 90 डिग्री, ओके, ये वाला एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल हैं उनका जो सम होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल वन और एंगल थ्री का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एक एंगल आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंगल टू प्लस एंगल फोर, ओके, एंगल टू प्लस एंगल फोर, इन दोनों का भी सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो बच्चों आई होप कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मान लो कि ये आपका इक्वेशन नंबर वन है और ये आपका इक्वेशन नंबर टू है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ओके, ऐड करने पे क्या होगा, आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों जो हम फाइंड करना चाह रहे थे बस उससे हम एक कदम दूर हैं, एक कदम क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि एंगल वन और एंगल फोर का, एंगल वन और एंगल फोर का जो सम है वो 90 डिग्री हमको दिखाना है, ओके, तो यहां पर जो एंगल्स होने चाहिए आपके वो एंगल वन और एंगल फोर ही दिखने चाहिए, एंगल थ्री और एंगल टू की हमें जरूरत नहीं है। तो एंगल थ्री और एंगल टू को एंगल वन और एंगल फोर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, देखो बच्चों हमने ऑलरेडी यहां पर आपको बताया है कि एंगल वन और एंगल टू आपका बराबर है, ओके, तो एंगल थ्री की जगह आप क्या लिखेंगे, एंगल फोर, और एंगल टू की जगह आप लिखेंगे एंगल वन, ठीक है, तो हम यहां पर इसको चेंज कर देते हैं, एंगल थ्री की जगह आप लिखेंगे एंगल फोर, ओके, और एंगल टू की जगह लिखेंगे आप एंगल वन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ओके, अब देखिए ये आपका टू टाइम्स है, इसको आप लिखेंगे टू ऑफ एंगल वन, ये भी आपका टू टाइम्स है, ओके, टू ऑफ एंगल वन सॉरी फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, अब टू को आप कॉमन ले लेंगे, टू को आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों फाइनली आपने इस एंगल को प्रूव कर दिया कि ये है 90 डिग्री का, ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं, ये आपका एंगल कौन सा है, एंगल एच ई एफ, ओके, यही तो है 90 डिग्री। इन द सेम मैनर अगर आप यहां पर सॉल्व करेंगे या फिर यहां पर सॉल्व करेंगे या फिर यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको हर बार इस एंगल का सम 90 डिग्री ही मिलेगा, तो आप यहां पर लिख देंगे सिमिलरली वी हैव एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आपने देखा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझा, ठीक है, और उसका फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने समझा
कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।